2007 में जब मैं झुग्गियों में खाना वगैरह बांटने जाती थी, हमारे घर का एक प्रोजेक्ट था चैरिटी का, तो उन लोगों को मैं जब खाना बांटती थी झुग्गियों में स्लम एरिया में, तो वो लोग इतने छीन छीन के लेते थे और रश लगा देते थे और बच्चे जो हैं वो गाड़ी के दरवाजे के साथ लटक जाते थे, तो मैं उन्हें कहती थी कि प्लीज़ तुम लोग लाइन बना लो, मैं सबको देखे जाऊँगी। लेकिन वो हैरान होते थे कि लाइन बनाना क्यों, मतलब आप हमें ही देने के लिए आए हैं तो आप दें और चले जाएँ। तो एक बच्चे ने कह ही दिया कि मैडम इस तरह की बातें नहीं हमें कभी किसी ने कही, बस लोग आते हैं खाना देते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो आप पढ़ोगे? तो मुझे ये महसूस होता था कि इनको किसी ने समझाया नहीं, सिखाया नहीं। तो मैंने एक साल उन्हें झुग्गी में बैठ के पढ़ाया और वो माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे। तो वो एक साल मुझे उनके ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से तजर्बात करते हुए गुजर गया और वो बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनके ऊपर काम कैसे करना है और इनको किस तरह से खाना भी मैं खिलाती थी और साथ में पढ़ाती भी थी। मैंने कुछ अर्से पहले मैंने एक नेल्सन मंडेला का मैंने एक कोट पढ़ा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल दैट यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हम एक किसी भी बच्चे को हम अगर एक अनप्रिविलेज कम्युनिटी से जब हम उठाते हैं, वी वांट टू प्रोवाइड देम क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हर एक का राइट है। देयर इज अ रियली इम्पॉर्टेंट इशू दैट हैज कम टू लाइट। वो इशू ये है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ is prevalent in Pakistan, but it's not being talked about and there's not much that's happening about it. So what we decided to do is ke hum logon ne within Door of Awareness we've launched a campaign. Darna nahi hai agar aapke sensitive part ko koi touch karta hai ya wo apne sensitive part ko touch karta hai to aapne nahi dekhna aur aapne foran samajh jaye ke wo sahi nahi hai. We have engaged a lot of different volunteers who are involved either as psychologists or as academics dealing with early childhood studies. Un logon ke sath humne kaam karke we've launched a project ke hum apne sare schools mein hum child sexual abuse awareness sessions apne students ko and thereafter apne students ke parents ko hum dena shuru kar rahe hain. Apni body ki hifazat kaun karega? Hum khud kare. Apni body ko kisi ko touch karne nahi denge. Na hai se no. Zor se bole.